हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और ही हमारी बिलान में मॉर्निंग हो चुकी, अभी तक बिस्तरे में लेटे हैं। तो चलते हैं बाहर की ओर, देखते हैं बाहर का मौसम जो आज का कैसा रहने वाला है। चलते दिखाते हैं आगे की। और ये अपने चाचा जी जो कि अभी खड़े उठ गए, सीधे फोन पे ही लग गए हैं। और लगे देखिए चाचा, बोलिए यहाँ चाचा, पे यहाँ भोले पे हेलो भोलेनाथ की आई भक्ति हो करो रही है। यहाँ हेलो, पे। हाय गाइस, हाउ आर यू? तो चाचा, हम दो बाकी तो सारे चले गए सर देवते के पास, मार को थोड़ा पानी काम लाने, है धूप यहाँ बत्ती पे, करने गए। और मार को यहाँ पे थोड़ा सफाई करना, क्योंकि देवता जो है जिसको मैं आज इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ वो इस स्थान पे आएगा यहाँ पे, मतलब कि 1 महीना यहाँ पे रहेगा। तो थोड़ा काम करना पड़ता है, साफ सफाई थोड़ी ये वो। तो गाइस चलते हैं बाहर की ओर, देखते हैं बाहर का मौसम। वाह, बहुत ही अच्छा। और ये गांव लक्ष्मी नारायण, और जो दीप्ता बन रहा था ये जहाँ पे। हाँ जी, और ये अपना देवता जहाँ पे तैयार हो रहा है, और इस स्थान पे तो आज यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आए हैं सभी लोग, कम मैक्सिमम आपके 1.5-2 हज़ार के बीच में आज रहेंगे यहाँ पे। तो अभी चलते बहुत हैं ही हम मतलब कि अपने फुल काम टाइम की आए ओर। हैं। और ये अपने चाचा जो सुबह गायब हो गए थे वो पहुँच चुके पानी लेके, और दिखाऊंगा मैं कहाँ से लाया चाचा ने पानी। तो गाइस, और चलते हैं अपने देवते की ओर, यहाँ पे अभी धूप जलाएंगे, और ये अपना कुल देवता जहाँ पे रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर। आते आते मैं नीचे को बताऊंगा आपको, क्योंकि चाचा आगे निकल गए तो मैं पीछे से चल रहा हूँ। भाई ये सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है चढ़ने के लिए। तो अपने दिप्ते के पास पहुंच चुके हैं जी। और ये अपना है रिंगू नाग जी, जहाँ पे कुलज देवता अपने स्थान पे, और ये अपने चाचा। अभी हम धूप बत्ती करेंगे। सो गाइस, ये जो पुराने टाइम में जब हमारे बुजुर्ग रहा करते थे उस टाइम का बनाया हुआ, लड़ाई के टाइम, और ऐसे ऐसे रास्ते जहाँ पे ऐसी जगह। और देखिए किस तरह देखने को मिलता है पुराने मंदिर में। और ये देखिए, और ऐसे दरवाजे मोटे मोटे, और इनका जो बंद करने का होता है, और ये पुराने टाइम में रहता था, इसको दरवाजा बंद करके थोड़ा आगे लेते थे। चलो दिखाते हैं बाहर से कैसा। बाहर से कैसा दिखता है तो दिखाते हैं। और ये हम इधर अपना व्यू देखने आए हैं, और ये अपना जो परे दूसरा एरिया है घाट खनेरगी जो है, और ये यहाँ पे लाहौल लाहौल से आए हुए रहने वाले, और यहाँ पे बहुत पहले से यहीं पे रहते थे तो इनका घर। और यहाँ पे भी नाम नाम है, पता नहीं, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है अपने गांव में। तो ऐसा अपना व्यू, और देखिए और अपना दूसरा गांव कैसा दिखता है। और अभी पूजा हो रही है वहाँ पे बाजे के साथ, तो हम अभी बहुत ऊपर है, नहीं जा सकते। तो बाद में देखेंगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी मेरी इसके बाद, उसमें देखते हैं कैसा कैसा आगे होगा। तो चलते हैं आगे की।
तो गाइस चलते हैं आगे की ओर, जहाँ पे आपको दिखा रहा था मैं देवता का किस स्थान पे अभी तैयार हो रहा है। तो अपना छोटा भाई अंकित वजीर अभी पीछे, दो ही बचे और चाचा वगैरह आगे निकल गए। चलते तो हम ऐसे ही पीछे पीछे से, तो चलते हैं आगे की ओर। और ये हम पहुंचने वाले और देखते हैं क्या क्या चला है। और इस स्थान पे अपना देवते की पूजा हो रही है अभी, तो देखते हैं, बहुत भीड़ है। तो मैं अभी देवता नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी बहुत ज्यादा थे, तो अभी हम खाना बनाने की ड्यूटी दी है हमारे को, तो चलते खाना बनाने। और अपने भाई चाचा ये बर्तन लेके अभी पीछे और है, चलो आगे जैसे दिखाएंगे। और ये हमारी खाना बनाने की तैयारी, बर्तन धोना और यहाँ पे चढ़ा दिया खाना। तो देखते हैं आगे आगे धाम कैसी चली गई हमारी आज। और अभी हम साइड में बैठे हैं, अंकित वजीर अपना छोटा भाई। खुशी रहो खुशी रहो। No, 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 no.